के अंदर वो बीएससी वाले टेक्नोलॉजी से काम नहीं करेगा। जितनी भी ऑयल इंडस्ट्री है उन सभी के लिए लैब कंपलसरी है, तभी आपको सेंट्रल का लाइसेंस दिया गया। लेकिन जब आपने उसका फॉर्मेट भरा था वहाँ पे लिखा था कि भाई इसके अंदर हमने लैब टेक्नोलॉजी रखा गया है, और वो केवल बीएससी वाला नहीं होगा, उसकी डिग्री मिनिमम एमएससी होनी। मिलावट खोरों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत आज कलेक्टर के निर्देशों पर प्रशासन व खाद्य विभाग की टीम ने धानुका एक्सट्रैक्शन प्राइवेट लिमिटेड पर छापामार कार्रवाई की और फैक्ट्री में फैली अव्यवस्थाओं पर नाराजगी जाहिर करते हुए फैक्ट्री मालिक को 15 दिन में व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए। वहीं फैक्ट्री में बन रहे तेल व डीओसी के सैंपल भी लिए गए, जिन्हें जाँच के लिए भोपाल लेबोरेटरी भेजा जाएगा। वही धानुका फैक्ट्री की लेबोरेटरी में गंदगी व अनियमितताएं पाई गई, जिस पर फैक्ट्री प्रबंधक को टीम ने जमकर फटकार लगाई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी संजीव मिश्रा ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि मौके से तेल व डीओसी के सैंपल लिए गए हैं। फैक्ट्री में अनियमितताएं पाए जाने पर सेंट्रल गवर्नमेंट को 15 दिन के लिए लाइसेंस सस्पेंड करने के लिए पत्र लिखा जाएगा, और 15 दिन बाद भी अगर व्यवस्थाएं नहीं सुधरी तो लाइसेंस निरस्त करने के लिए पत्र लिखा जाएगा। कार्रवाई के दौरान नायब तहसीलदार प्रशासनिक सिंह, खाद्य सुरक्षा अधिकारी संजीव मिश्रा, राजू सोलंकी सहित पुलिस और प्रशासनिक टीम मौजूद थी। कलेक्टर साहब और एडीएम साहब के निर्देशन में आज दल का गठन किया गया था, और आज धानुका एक्सट्रैक्शन जमुनिया कला में जो स्थित है वहाँ पर आज कार्रवाई के लिए भेजा गया है। धानुका एक्सट्रैक्शन जो है वो दो इन्होंने सेंट्रल लाइसेंस लिए हुए हैं, एक धानुका एक्सट्रैक्शन के नाम से और एक धानुका सोया प्रोडक्ट्स के नाम से। तो अभी इनकी रिफाइनरी वाला सेक्शन तो चल रहा है, लेकिन एक्सट्रैक्शन अंडर मेंटेनेंस है। यहाँ पे पूरा देखने पे ये पाया है कि अनहाइजेनिक कंडीशन तो यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है अभी भी प्लांट के आसपास भी, क्योंकि रोड्स वगैरह प्रॉपर अंदर बने नहीं हुए मूवमेंट के लिए, तो सभी जगह जो है वो अनहाइजेनिक कंडीशन है। बाकी कुछ जगहों पर स्थिति ठीक दिखाई दी, क्योंकि 3-1 महीने पहले भी इनका इंस्पेक्शन हुआ था और इनको इम्प्रूवमेंट नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन जिस स्तर का इनके पास में सुधार होना चाहिए उतना अभी पूरा नहीं हो पाया है। इसमें ये यहाँ पे कमियाँ देखने के लिए मिली कि रोड और इनका जो वेस्ट डिस्पोजल है, क्योंकि ज़्यादा हैंड टचिंग का काम होता नहीं है, इतने प्लांट आजकल हाईटेक हो गए हैं, तो जो वेस्ट इनका निकल रहा है वो सारा का सारा पीछे ही उसके इकट्ठा हो रहा है, वहीं पर मक्खियाँ मच्छर सारे इकट्ठे हो रहे हैं, वो सारे वापस से आपके रॉ मटेरियल्स के ऊपर आ रहे हैं। तो वो अगर हम बात करें कि सेफ फूड की, तो 100% सेफ फूड तो नहीं हो पाता है देखने में, क्योंकि वो हाईली हीट टेम्परेचर के ऊपर ऑयल तैयार होता है, तो देखने में भले ही वो क्लियर नज़र आए लेकिन माइक्रोबियल लेवल पर वो इतना ज़्यादा शुद्ध नहीं हो पाता है। तो इसीलिए इनके यहाँ पर हम लोगों ने जांच की है, और एक यहाँ पर डीओसी का भी प्लांट देखा गया है जिसमें डीओसी इनका निकलता है, लेकिन वो पूरा इनके द्वारा बताया गया कि वो फीड ग्रेड का माल है, मतलब वो इंसानों के लिए नहीं दिया जाता है, वो पोल्ट्री फार्म्स में और दूसरे लिए एक इंग्रेडिएंट का काम करता है, उसको मिक्स करके कंपनी फिर पोल्ट्री वगैरह में सप्लाई करती हैं। तो यहाँ से हम लोग अभी सोयाबीन तेल और इनके जो रॉ मटेरियल जिसका वो यूज़ करते हैं, जैसे इंडस्ट्रियल ग्रेड में कुछ फास्फोरिक एसिड हो गए और ब्लीच अर्थ हो गई, इनको भी अभी हम देख रहे हैं यहाँ पे कि वो फूड ग्रेड के हैं। बिल देखने के बाद उसका डिसाइड करेंगे कि उनके नमूने लेना है कि नहीं लेना है। अभी फ़िलहाल सोयाबीन तेल का और लेसिथिन, ये दो नमूने तो हम लोगों ले रहे हैं इनके यहाँ से, और बाकी रॉ मटेरियल्स के भी इसके बाद में सिलेक्ट किए जा रहे हैं। स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं करें तो इनके पास में एक बार तो नोटिस जारी हो चुका है, अगर इनके पास में अभी भी उतनी ज़्यादा सफाई और वो नहीं दिखाई दी यहाँ पे, लास्ट टाइम लेबोरेटरी के लिए भी इनको निर्देश दिए गए थे लेकिन वो पूर्णतः अभी तक पालन नहीं हो पाए हैं, तो इनका भी लाइसेंस जो है वो कुछ समय के लिए सस्पेंड किया जाता है। लेकिन इसके सस्पेंशन क्यों, की कारण क्या है, इनका लाइसेंस जो है वो सेंट्रल का है, तो उसके लिए हम लोग सेंट्रल को लिखेंगे यहाँ से कि इनके लिए वापस से एक बार जांच कराई जाए और इनका लाइसेंस कुछ समय के लिए सस्पेंड किया जाए जब तक कि वो पूरा अपने मापदंडों पर खरा नहीं उतर आता है।